कम मेहनत और कम इंग्रेडिएंट्स है हमारा, इतने खास्ता और बेकरी से भी बेहतर आपका जो कुकीज है वो घर पर ही बन करके रेडी हो जाएंगे। और देखिए कितने डबल साइज के हो गए हैं बेक होने के बाद। तो इस तरह के आप भी अपने घर पे कुकीज जो है हाफ कप पीनट से बना करके रेडी कीजिए। इसके जो भी खाएंगे आपके तारीफ करते नहीं थकेंगे, इतना बेहतरीन ये कुकीज बनता है। तो देखिए इसे ट्राई कीजिए और लजीज एकदम बन करके रेडी, बेहतरीन है। तो ये मार्केट वाला कुकीज आपका, बेकरी वाला कुकीज भी खाना भूल जाएंगे अगर इस तरह का कुकीज आप घर पे बनाना सीख जाएंगे, वो भी बिना ओवन का, बिना एग का, तो विदाउट एग और विदाउट किसी स्पेशल इंग्रेडिएंट्स का इतने सारे कुकीज आपका बन करके रेडी हो जाएंगे झटपट से। तो चलिए, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इन माय चैनल। सो आज फिर मैं आई हूँ आपके साथ न्यू वीडियो में, न्यू रेसिपी के साथ। तो चलिए इसको बनाते हैं, आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले लेंगे हम ये हाफ कप पीनट और उसे हम रोस्ट कर लिए हैं, रोस्ट करके। और ज्यादा आपको रोस्ट नहीं करना, बस हल्की सी से गरम करना है और गरम करके 50% जो स्किन है इसका निकाल देना है और 50% स्किन इसका रहने देना है। इससे जो है कुकीज आपका थोड़ा सा देखने में कलरफुल लगेगी। और उसके बाद इसे हम डालेंगे एक मिक्सी बाउल में, इस तरह से डालते हैं मिक्सी के जार में। ऐसे पल्स मोड पर इसे टुकड़े कर लेना है, इसे पीसना नहीं, पाउडर नहीं बनाना। बस इसके दो दो तीन तीन टुकड़े हो जाए इस तरह का, हमको एकदम से दरदरा बना करके रेडी कर लेना है। हमारा पीनट रेडी है। तो देखिए बस पल्स मोड पर आपको दो बार ही चलाए हैं, इसके बाद एकदम परफेक्ट इस तरह का दानेदार पाउडर जो बन करके रेडी है। तो इतने ही बारीक आपको बनाना होगा तभी जाके आपका कुकीज जो है, और ये पीनट कुकीज जो है ना बहुत ही बेहतरीन और लजीज बनता है खाने में। आप एक बार खा लीजिएगा ये कुकीज तो आपका टी टाइम कभी भी बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी होता है। तो हमारा रेडी हो गया है, अब चलते हैं आगे के प्रोसेस में। हमारे रेडी है, तब ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान लेते हैं। तो एक लेंगे हम छन्नी, उसमें डालेंगे हम एक कप भर करके मैदा, और मैदे को हम छान लेते हैं अच्छे से। मैदे हमारा छन गया है, उसमें डालेंगे हम ये बेकिंग पाउडर। तो 1 टी स्पून हम डालेंगे इसमें बेकिंग पाउडर, इससे जो है कुकीज आपका अच्छे से फूलेगा, बेक होगा। उसमें डालेंगे 1/4 हम खाने का सोडा, और सभी को हम छान लेते हैं इसी के साथ में। तो एक कप मैदे में आपको 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 बेकिंग सोडा आपको डालना है। इस मेजरिंग से बनाइएगा तो आपका कुकीज जो है परफेक्ट एकदम फूलेगी भी, अच्छे से बेक होगी। तो बेकरी जैसा आपका कुकीज घर पे बनेंगे। अब क्या करेंगे, अब ये लिए हम पिसी हुई चीनी। तो और 1 कप मैदे में 1/2 कप डालेंगे हमें पिसी हुई चीनी, शुगर पाउडर। तो हम 1/2 कप डाल दिए इसमें, और इसे भी हम छान लेते हैं इसी के साथ में। तो सारे हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को जो है वो छान करके रेडी कर लेते। तो चीनी भी हमारा छन गई है। तो चीनी डालते समय, जो शुगर पाउडर डालते समय, आप चाहे तो अपने मीठे जितना खाते हैं उसके अकॉर्डिंग आप शुगर के पाउडर के क्वांटिटी जो है कम या ज्यादा कर सकते हैं। लेकिन ये मेजरिंग से बनाइएगा तो मार्केट वाली कुकीज की तरह ही इसका स्वीटनेस होगा एकदम परफेक्ट। ये हमारा सारा रेडी है, इधर हमारा पीनट भी रेडी है। अब चलते हैं आगे का लिक्विड वाला प्रोसेस कर लेते हैं। अब लेंगे एक अनदर बॉल हम, और उसमें हम डालेंगे जिस कप से हम मैदा लिए थे उसी कप से 1/2 कप है मेल्टेड घी या बटर, जो भी आप पसंद करते हैं उसे लीजिए। तो उसे लेकर के अच्छे से आपको थोड़ी सी बीट कर लेना है एक बीटर से, जिससे ये थोड़ा लाइट हो जाए, इतनी आपको बीट करना है। जिस तरह से हम इसे बीट करते जा रहे हैं ये जो है वो लाइट कलर का होते जा रहा है, इसमें इसमें व्हाइट होते जा रहा है इसका जो कलर है। अब ये हम अच्छे से मिक्स कर लिए हैं 1.5 मिनट। अब धीरे धीरे इसमें सारे सूखे इंग्रेडिएंट्स जो है वो हम डाल देते हैं, और डाल करके इसे मिक्स कर लेना है अच्छे से। तो देखिए हमको सारे डाल दिए इसमें, और डाल करके इसको अच्छे से हमको मिक्स कर लेना है इस तरह से।
तो एक बार इस तरह से अगर पीनट कुकी सब बना करके खाइए तो बेकरी वाला फेल हो जाएगा, इतना बेहतरीन ही बनता है। अब साथ में क्या करेंगे, हम ये डाल देंगे पीनट, इसमें से थोड़ी सी जो पीनट है वो हम बचा करके रखेंगे, तो थोड़ी सी इसमें हम पीनट को इतनी निकाल लेते हैं और सारे पीनट को हम डाल देते हैं। तो इसका मेजरिंग का ध्यान रखना है, एक कप मैदे में हाफ कप पीनट हम डाले हैं, हाफ कप शुगर डाले हैं, हाफ कप हम बटर डाले हैं। तो देखिए इसे हम अच्छे से, अब क्या करेगा, हाथों को इस्तेमाल करना है और हाथों को इस्तेमाल करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये हमारा अभी थोड़ा ड्राई है तो इसमें हल्के हल्के आपको एक एक दो दो चम्मच करके जो है मिल्क इसमें आपको मिक्स कर लेना है। लेकिन अभी इसका क्वांटिटी जो हमको बटर का ठीक लग रहा है, इससे अच्छे से बाइंड हो जा रहा है, और समर सीजन में थोड़ा सा शुगर पाउडर जो है वो जल्दी मेल्ट होता है। तो देखिए इसका हमको मिल्क इसमें जरूरत लगता है नहीं पड़ेगा, ऐसे ही अच्छे से बाइंड हो जा रहा है। तो देखिए इस तरह से हमको बाइंड करना है, देखिए तो हमारा परफेक्ट डो जो है वो रेडी है। अब इसमें डालेंगे हाफ टेबल स्पून ऑफ कुटी हुई इलायची के पाउडर, तो हाफ टेबल स्पून इसमें डाल देते हैं कुटी हुई इलायची पाउडर, इसे भी अच्छे से हम मिक्स कर लिए हैं। अब देखिए घी हमारा जैसे जैसे मेल्ट हो रहा है इसका जो है टेक्सचर और भी सॉफ्ट होते जा रहा है, तो इसमें हमको नहीं तो मिल्क का जरूरत पड़ेगा। देखिए एकदम परफेक्ट हमारा ये कुकीज के लिए रेडी हो गया है। अब चलते हैं इसे बनाने का प्रोसेस। इसमें से हम इतने बड़े बड़े लेंगे पोर्शन, क्योंकि इस पे आपको जितने बड़े चॉपिंग बोर्ड या बोर्ड है जो भी उतने बड़े बड़े आप पोर्शन लीजिए इस तरह से, और पोर्शन ले करके इसे हम इस तरह से चॉपिंग बोर्ड पे रख करके और थोड़ा सा अच्छे से बाइंड करते हुए कर लेंगे। अरे थोड़ा सा बिखरेगा क्योंकि इसके में पीनट का पाउडर जो डाला है, पीनट थोड़ा सा रुखड़ा होता है तो इसलिए ये डो जो है बिखरेगा, लेकिन बनने के बाद ये बहुत ही क्रिस्प खाने में होता है। थोड़े से फिर इस तरह से कर लिए, इसके बाद हम एक रोल पिन से हल्की शीशे दबा करके इस तरह से कर लेंगे। तो कुकीज का साइज जो है वो अपने हिसाब से बड़े या छोटे रखिए, जिस तरह का कुकीज कटर का आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। ये हमारा हो गया, अच्छे से प्लेट कर लेते हैं इस तरह से, प्लेटर करते हुए इस तरह से फ्लैट करके, और थोड़ी थोड़ी और हम इस तरह से रोल पिन चला लिए। अब एक लीजिए कुकी कटर, आपके पास जो भी है, हम तो इस तरह के ग्लास है जो छोटे मुंह वाले, उससे हम इस तरह से कट कर लेंगे। अब मेरा हमारा कट करके और रेडी कर लेते हैं। तो हमारा देखिए कितना परफेक्ट, एकदम इतने ही मोटे आपको कुकीज को रखना है, क्योंकि फूलने के बाद ये और भी डबल हो जाएगा। इसके बाद ये जो हम रखे हैं पीनट का पाउडर, इसमें थोड़ी सी हम दबा देंगे इसे, और दबा करके ऊपर से एक इस तरह से लेयर बना लेंगे। इससे जो कुकीज आपके बेक होंगे, बेक होने के बाद जब ये थोड़ा सा पीनट जो है बहुत ही क्रंची हो जाएगा तो खाते समय बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से एक शेप हम बना के रेडी कर लेते हैं। सारे कुकीज हमारा देखिए कंप्लीट हो चुका है। तो एक साइज के आपको कुकी कटर से अगर काट के बनाइएगा तो एक साइज के आपके सारे कुकीज इस तरह से बनेंगे। देखिए देखने में कितनी खूबसूरत लग रहे हैं। ऊपर से जो हम ये लेयर लगाए हैं पीनट का, तो वो अगर बेक होंगे तो इसके बाद और भी क्रिस्प हो जाएंगे और बहुत ही एक नटी फ्लेवर आएगा इसमें। तो चलिए अब इसे बेक करने का प्रोसेस में चलते हैं। तो आप चाहें तो इसे ओवन में भी बेक कर सकते हैं। ओवन में अगर बेक कीजिएगा तो 30 से 40 मिनट्स के लिए आपको डालना होगा, लेकिन आज हम इसे बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से बताएंगे जो सभी को घर में इजीली अवेलेबल है, और कढ़ाई में ही हमारा कुकीज जो है बन करके रेडी हो जाएगा। तो चलिए इसे हम कढ़ाई में बेक करते हैं। इसे बेक करने के लिए एक लेंगे हम इस तरह का ट्रे या प्लेट, तो जिसमें होल है इस तरह का हम
जो स्टीमर आता है उस पर हम बेक करेंगे। इसमें क्या होता है, होल की वजह से हीट जो है वो प्रॉपर अंदर से लगेगा और आपका कुकीज जो है बहुत कम टाइम में बेक हो जाएगा। वैसे 1-1 इंच के डिस्टेंस पे आपको इस तरह से रखते जाना है। तो सभी कुकीज को हम इस तरह से इसमें असेंबल कर देते हैं। और ये बहुत ही जल्दी आपको 40 to 50 मिनट्स में ही बेक हो जाएंगे। तो इस तरह से जितने कुकीज आएंगे एक बार में उतने कुकीज डाल देते हैं। अब चलते हैं इसके आगे के प्रोसेस में। अब यहाँ पे रखे हैं एक कढ़ाई, कढ़ाई में हम डाल दिए हैं सॉल्ट और इसे हम प्री हीट कर लिए हैं। अब हम क्योंकि इसमें स्टैंड हमको नहीं डालना है, ये जो मेरा प्लेट है ऊपर तक ही आएगा इस तरह से, तो इसमें स्टैंड डालने की हमको जरूरत नहीं है। अब इसके हम लीड जो है वो अच्छे से कवर करेंगे और इसे हम 40 to 45 मिनट्स के लिए अच्छे से हम बेक कर लेते हैं। इसे बेक होते हुए टोटल हमको 45 मिनट्स हुए हैं। बीच में हम एक बार चेक किए थे 35 मिनट्स पे, तो ये नहीं हुआ था, तो 10 मिनट्स और इसको हम टाइम दिए हैं। एक बार चलिए और चेक कर लेते हैं। तो देखिए कुकीज हमारा अच्छे से बेक हो गया है। इसके अंदर की लेयर दिखाते हैं, तो देखिए एकदम परफेक्ट है। तो ये बहुत अभी हॉट है। अब इसे क्या करेंगे, जो बेकरी में ऊपर से भी थोड़ी सी कलर जो होता है हमारा, उस तरह के कलर देने के लिए इसको क्या करेंगे, फ्लेम को ऑफ कर देंगे और कुकीज को सबको आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से पलट देंगे और इसी स्टीम पे इसे छोड़ देंगे, जिससे ऊपर भी थोड़ी सी इसका जो कलर है वो डार्क हो जाएगा। एकदम परफेक्ट आपका बेकरी जैसा जो कुकीज है वो बन करके रेडी होगा। इसको साइज देखिए, कितने मोटे मोटे कुकीज जो है आपके बन करके रेडी हो गए हैं। और इसका ऊपर का जो पीनट का लेयर था वो भी नहीं निकला है अच्छे से। ये देखिए एकदम परफेक्ट हो गया है। अब इसी पे हम 2 मिनट और इसे रहने देंगे, इसके बाद इसे हम निकाल लेंगे। फ्लेम हमारा ऑफ है। 2 मिनट रखने के बाद, 2-4 मिनट रख दिए थे, तो उसके बाद जो उसका टेम्परेचर है कम हुआ और कुकीज का देखिए एकदम परफेक्ट बेकरी जैसा हमारा कलर आया है इस तरह से सारे कुकीज में। तो कितना बेहतरीन कुकीज जो है हमारा वो बन करके रेडी है। देखिए कम मेहनत, तो कुछ भी मेहनत भी नहीं लगा, इंग्रेडिएंट्स भी नहीं लगा और एकदम परफेक्ट है। एक बार देखिए इस तरह से हमको तोड़ के आपको दिखाते हैं। इस रेसिपी को अपने घर में जरूर एक बार फॉलो कीजिएगा। और मेरी ये रेसिपी पसंद है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।